मन क्रम वचन। भक्ति तीन प्रकार से होती है, शरणागति के तीन प्रकार होते हैं। एक होती है मन की शरणागति। मन की शरणागति अर्थात जिनके आप शरणागत हैं वो भले पास रहे न रहे पर आप मन से उनके शरणागत हो। फिर दूरी कितनी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी सदगुरु के चरणों में शरणागत हो, आप किसी प्रिय के शरणागत हो, आप भगवत शरणागत हो, अब दूरी कितनी है उससे फर्क नहीं पड़ता। गुरु आपसे कितने दूर रहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मन की शरणागति, मन से आप उनको समर्पित हैं, न्योछावर हैं। एक होती है वचन की शरणागति। वचन की शरणागति मतलब जिनके आप शरणागत हैं, तूने कहा और बस बात खत्म। ये वचन की शरण, उसका वचन ही आप जीवन में सिद्ध करके मानने लगते हैं। उनकी वचन, उनका वाक्य ही आपके लिए आज्ञा होती है, वो होती है वचन की शरणागति। और एक होती है कर्म की शरणागति, अर्थात मैं जो करूं तेरे लिए करूं, मेरा हर कर्म तेरे लिए हो, शरणागत हो जाना चाहिए। और ये विशेषकर तो शरणागति या तो भगवान के लिए होती है या किसी संत महापुरुष, किसी सदगुरु के प्रति होती है। और जब मन क्रम वचन तीनों से आप उनके शरणागत हो जाते हो, तब वहां फिर किसी चौथी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप पूर्ण रूपेण समर्पित हो गए। फिर गुरु वचन रखता है, जैसे आपने कल सुना ना शबरी के बारे में, उसने गुरु का वचन ही वचन की शरणागति को प्राप्त कर लिया। फिर सारा कार्यभार उन पर हो जाता है, फिर उनको संभालना पड़ता है, भले उसके लिए उनको नियम तोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े। अपने शरणागत को प्रसन्न रखना उनका दायित्व बन जाता है। एक यवन धर्म के एक संत हुए, बाबा फरीद उनको कहा जाता था, उनका नाम था। तो बाबा फरीद, समस्त जगत के लोग उनका बड़ा सम्मान करते थे, प्रेम करते थे उनसे। वो एक बार दिल्ली में आए, उनका भ्रमण होते होते दिल्ली में हुआ, उतारा रखा गया एक जगह, उतराव हुआ उनका। दिल्ली में गरीब महिला रहती थी जो उनको बड़ी समर्पित थी, उनमें उसकी बड़ी श्रद्धा थी, बड़ा प्रेम था। आज उसके बालक का जन्मदिन था, बच्चे का। सोचा कि बाबा फरीद आए हैं तो बालक को आशीर्वाद दिला लाती हूँ, जन्मदिन है, जन्मदिन के लिए उसके लिए कुछ उपहार के लिए पैसा भी जोड़ रखा था, पर सोचा कि नहीं नहीं इस पैसे से कुछ इसको दिलाने की जगह बाबा के लिए कुछ लेके जाऊँ। ये सोच करके उसके पास जो थोड़ा बहुत पैसा था, कुछ किराए में खर्च हुआ, थोड़ा जो बचा उसने बाज़ार में, निकल रही थी, देखा बाज़ार में किसी हलवाई की दुकान में बड़ी गरम गरम जलेबियाँ निकल रही थी। तो उसने विचार किया कि बाबा फरीद को यही जाके समर्पित करूँगी। तो जो पैसे बचे थे उसने वो जलेबियाँ खरीदी और लेके पहुँच गए। बाबा फरीद के पास लंबी कतार लगी थी, सब आए थे मिलने के लिए। पीछे ये गरीब महिला थोड़ी डरी डरी सी, घबराई सी, सोच रही है कैसे मिलने जाऊं, कैसे आगे बढ़ूं। कई बार होता है, अब वो तो महापुरुष हैं, हम जैसे निठल्लों के पास भी कई ऐसे आ जाते हैं बेचारे, बड़े भाव और इतनी श्रद्धा लेकर के कि क्या कहें। उनकी श्रद्धा को देख कर लगता है कि हम तो इसके लायक भी नहीं थे भगवान। लेकिन जब कोई ऐसा व्यक्ति किसी महापुरुष सत्पुरुष से मिलने जाए तो जो उस सत्पुरुष के आसपास के जो लोग हैं उनको बड़ा ध्यान से रहना चाहिए।
कई बार क्या होता है, अभिमान में कह देते नहीं नहीं अभी नहीं मिलेंगे, जाओ कोई मिलने, हाँ समय नहीं है, व्यवस्था है, वो अलग विषय है। प्यार से, बड़े आदर से कि भैया अभी थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, आप दोबारा आ जाइएगा, फिर मिल लीजिएगा। ये एक संत के पास रहने वाले का लक्षण होना चाहिए। अगर वो भी उसी विराटता में आके, घमंड में आकर के, तो उस व्यक्ति का कुछ नहीं होगा, लेकिन अपमान उस संत का होगा कि इसके साथ रहने के इतने दिनों के बाद भी इसमें बुद्धि नहीं आई, इसके विचार नहीं बदले। वहां सावधानी की आवश्यकता। तो बिचारी डरी डरी सी पीछे प्रयास कर रही थी कैसे आगे जाऊं, बाबा की नजर पड़ी तो उसको इशारे से आगे बुलाया, पहुंच गई नजदीक, हाथ कांप रहे हैं, दर्शन कर रही है, आंखों में आंसू है, हाथ में प्रसाद लेके पहुंची है। बाबा फरीद ने कहा कि बेटी क्या लाई है, ले साहब आपके लिए थोड़ी जलेबी लाई हूँ, सुना है आपको बड़ी प्रिय है, प्रसाद के रूप में आपके लिए लाई हूँ। थोड़ा धन था बालक के लिए इकट्ठा किया था, पर सोचा आप तो बार बार नहीं मिलेंगे तो आपको कुछ दिया जाए। बाबा ने कहा बेटी तेरी भावना बड़ी अच्छी है, लेकिन मैं बताऊं क्या कहूं, आज मेरा व्रत है, आज मैं व्रत हूं और आज मैं अन्न ग्रहण नहीं कर सकता। उसने कहा कोई नहीं, मैं आपके व्रत में बाधक नहीं बनूंगी। हाँ दिल तो टूटा, क्योंकि किसी के लिए चंद रुपया बहुत कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन किसी के लिए 10 रुपया भी बड़ा महत्व रखता है कि मैं इस 10 रुपये का क्या लेकर के आऊं, क्या उपहार दूं। फिर भी वो बेचारी उठी, प्रणाम करती हुई दर्शन करके वापस जाने लगी। मुड़ी थी कि बाबा फरीद ने कहा रुक बेटी इधर आ, वापस बुलाए उसे इधर आ। वो डरी डरी वापस आई, क्या हुआ बाबा, बोले नहीं तू एक काम कर, मैंने सुना है कि जहाँ से तू जलेबी लाई है वो बड़े प्रसिद्ध दुकानदार का, उसकी जलेबियाँ बड़ी प्रसिद्ध है, ला एक मुझे दे दे मैं खाऊंगा। उसने कहा कि बाबा आपका तो व्रत है, व्रत टूट जाएगा। तब उस महान व्यक्ति ने बड़ा सुंदर शब्द कहा, बड़ी सुंदर बात कही, और उस रोती हुई घबराती हुई उस महिला से बाबा ने कहा कि मेरा व्रत टूट जाए तो भगवान मुझे माफ़ कर देगा, मेरा ईश्वर मुझे माफ़ कर देगा, लेकिन अगर तेरा दिल टूट गया तो मेरा परमात्मा मुझे माफ़ नहीं कर सकता। व्रत टूटना बड़ी बात नहीं है, पर तेरा दिल न टूट जाए, तेरा दिल रखने के लिए मैं अपने परमात्मा को नाराज नहीं कर सकता, बेटी ला ये दे दे। जब आप किसी बुद्ध महापुरुष के चरणों में शरणागत हो जाते हैं तब आपकी लज्जा फिर वो रखते हैं, क्योंकि आप उन पर छोड़ चुके हो, आप फिर वो लज्जा रखते हैं। मन क्रम वचन, ये तीन शरणागति भक्त की होनी चाहिए, अपने सद्गुरु के प्रति और भगवान के प्रति।